दौरान एक ऐसी बॉलीवुड मूवी आई है जो कि शायद बॉलीवुड के लिए गेम चेंजर हो सकती है। जब से ये मूवी देख के आया तब से बस एक ही बात मुंह से निकल रही है कि आखिरकार सलमान खान का फर्स्ट कॉपी मार्केट में रिलीज हो ही गया। बंदे के ऊपर नो डाउट बहुत ही ज्यादा खर्चा किया गया है, लेकिन बोलते है ना, जब आटा ही खराब हो तो रोटी अच्छी कैसे बन सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं रुस्लान मूवी के ऊपर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट जामिन बॉय। तो भाई ये मूवी स्टार्ट होते ही यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो जाती है, वो है स्टोरी को लेके कि इस बंदे ने अपने पास्ट में कुछ ऐसा किया जिसकी भरपाई वो अपने प्रेजेंट में करना चाहता है, और उसकी भरपाई के लिए ये अपने बाप के अगेंस्ट भी चला जाता है। पूरी मूवी में आपको CBI, ED सबके सब इसके पीछे पड़े हुए मिलेंगे आपको, और आखिर इसके पीछे क्यों पड़े हैं ये जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इस मूवी को देखते वक्त अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि इस मूवी में दिमाग लगाने ऐसा कुछ है ही नहीं। तो देखो, मूवी जैसे स्टार्ट होती है ये बंदा अपने कैरेक्टर को छोड़ के सलमान खान के कैरेक्टर के अंदर घुस जाता है। लिटरली बोल रहा हूँ, पूरी मूवी के अंदर ऐसा लगेगा कि सलमान खान की परछाई घूम रही है। भले ही बात करो आप उसके डायलॉग डिलीवरी के ऊपर, उसके एक्शन के ऊपर, या फिर उसकी कॉमेडी क्यों ना हो, भाई बॉलीवुड चुनौतियों से नहीं किसी और चीज से परेशान है। अपने नेपोटिज्म की दाल जब तक ये लोग नहीं गलाएंगे तब तक इनकी मूवी बनती ही कहाँ है। अब छोड़ो एक्टिंग के ऊपर, मैं इससे ज्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहता। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी के ऊपर। अगर आप इस मूवी को देखने बैठोगे 1% एंगेजिंग नहीं मिलेगी। अगर आपने इस मूवी को 1 मिनट भी ध्यान से देख लिया तो पिछले 1 मिनट को आप भूल जाओगे। भाई नो डाउट, मूवी आती किधर से, जाती किधर से, कौन किधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है, क्या कब स्टार्ट हो रहा है, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है। बस पूरा का पूरा जो फोकस है वो आयुष्मान शर्मा के ऊपर ही है। अब बात कर लेते हैं मूवी के प्लस पॉइंट के ऊपर। बस तो मूवी के अंदर प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही चीज है, वो है थोड़ी बहुत एक्शन। बट कहते हैं ना, एक्शन से घर नहीं चलता साहब। मैं तो खामखा ही बड़े मियां छोटे मियां को बेकार साबित करने पे लगा था। भाई मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, बड़े मियां छोटे मियां रियली सॉरी बॉस। तो जो लोग भी इस मूवी को गलती से भी देख के आ चुके हैं, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस मूवी के अंदर क्या अच्छा लगा। और जो लोग बुराई करने के ऊपर सोच रहे हो तो जरा ध्यान से कमेंट करना, क्योंकि सलमान खान की गाड़ी आती ही होगी। और रमेश गाड़ी निकाल, आखिर पता तो करो, रामायण का फोटो दिखा के मैंने ऐसा कौन सा वायलेंस वाला काम कर दिया जो कि इन्होंने स्ट्राइक डलवा दिया।